आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम कल बात करेंगे। मैंने हाँ बोला और फोन रख के सो गया। रात के 2 बजे अचानक से मेरी आंख खुली। ना जाने कैसे उसका नंबर मिला दिया। उसका नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ था। 5 मिनट बाद मुझे वापस कॉल आई। उसकी छोटी बहन बोली कि मोबाइल मेरे पास है और आप ही सो रही हैं। अगले दिन सुबह से शाम हो गई लेकिन उसने मुझसे रब्ता नहीं किया। मैंने दोबारा से कॉल की और देखा तो फिर से नंबर मसरूफ मिला आ रहा था। 1 मिनट बाद कॉल बैक आई और उसने मुझे कहा कि मैं कज़न से बात कर रही थी। मैं खामोशी से उसकी बात सुनता रहा और फिर कुछ वक्त तक हम दोनों खामोश रहे। फिर वो कहने लगी कि अगर ऐसे ही खामोश रहना है तो मुझे बता दो, मैं कॉल बंद कर दूं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। उसने कहा कि ओके, अब मुझे कॉल मत करना। बस ये कहकर उसने कॉल बंद कर दी। मैंने कुछ देर बाद उसे फिर कॉल कर दी। इस बार फिर से उसका नंबर मसरूफ आ रहा था। फिर उसने मेरी कॉल अटेंड की और वो बहुत खूब गुस्सा होने लग गई और मुझसे कहने लगी कि मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। 6 साल का रिश्ता उसने एक पल में ख़त्म कर दिया। मैंने उससे पूछा कि आखिर कौन है वो लड़का। वो मुझसे कहने लगी, तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। मैंने उससे कहा कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे भूल गई। इतने में उसको किसी और की कॉल आई और उसने मेरी कॉल कट किए बगैर उसकी कॉल रिसीव कर ली। मैंने कॉल कट नहीं की। कुछ देर बाद उसने कॉन्फ्रेंस कॉल ले ली। कॉन्फ्रेंस कॉल में लड़का बोला कि हाँ भाई तुम्हें क्या मसला है। तो मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले। तो वो मुझे कहने लगा कि ओ यार कॉल कट करो और सो जाओ। तो साथ में ही वो बोली कि नहीं जान, ये ऐसे बात नहीं मानेगा, आप इस पागल को इग्नोर करें और मुझसे बात करें। तो वो लड़का बोला कि हाँ मैं भी तो देखूं कि ये कब तक कॉल कट नहीं करता। मोहब्बत में सितम की मिसाल और क्या तुम है। मैंने अपने महबूब को किसी और के साथ रोमांस करते देखा है। वक्त गुजरता गया और मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। 3 साल बाद मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई। मैं कॉल अटेंड करते ही उसकी आवाज़ पहचान गया। वो बोली कि कैसे हो तुम। मैंने उसे कहा कि तुम काम की बात करो बस। तो कहने लगी कि तुम मुझसे अभी तक नाराज़ हो। मैं खामोश रहा और फिर पूछा उसने कि तुमने शादी कर ली। तो मैंने पूछा कि तुमने कर ली। तो वो बोली कि लोग जिस्म चाहते हैं, शादी कहाँ करते हैं लोग। बात यह है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे कभी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, लेकिन इस तरह करने से आपकी ज़िंदगी में उस शख्स का वजूद चला जाता है। और ज़िंदगी में मोहब्बत होती है, लेकिन उस मोहब्बत का मतलब एक शख्स से वफा करना होता है। और खुदारा मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जिस्मों से खेलकर मोहब्बत के नाम को बदनाम मत कीजिए।